तो गाइस अभी रोहन वहाँ पे जा रहा है एक तो पतंग निकालने के लिए। वहाँ पतंग फंसा हुआ है, देखो रोहन जा रहा है, वो देखो वहाँ पे एक तो पतंग फंसा हुआ है। कैमरा में तो नहीं दिख रहा होगा, ये देख लो गाइस अपनी पतंग। तो हेलो गाइस, सबको गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज 3 फरवरी और अभी बज रहा है दोपहर के 2:30। तो अभी हम मामा घर में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा तबीयत गाइस ठीक नहीं है, मतलब सर्दी हल्का है और उसके बाद बुखार भी कल था रात को, पता नहीं भाई अचानक से कैसे रात को हो गया। रात में भी सो नहीं पाए हम ठीक से, कल रात में 1:30 से 1:30 बजे या 2 बजे सोए थे, उतना ही कुछ टाइम हो रहा था जब हम सोए थे, और सिर उठ पूरा दर्द दे रहा था। अभी भी वैसे ही हाल है, हम अभी विक्स लगाए हैं तो अभी ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत, दो दो बार विक्स लगाए उसके बाद जाके ठीक लगा। तो गाइस अभी यहाँ पे देखो छोटी को जो कि फटा वाला पतंग उड़ा रही है, हम उसको बोले रहे कि पतंग नहीं उड़ेगा, फटा वो पतंग ही पूरा फट गया है। फिर आप लोगों को पतंग दिखाते हैं उसका, तो ये देख लो गाइस छोटी का पतंग पूरा फटा हुआ है, देखो नहीं है, रुई का है। पतंग उड़ा रहा था फटा वाला, हम बोले रहे कि नहीं उड़ेगा फिर भी परेशान है लोग। रोहन गाइस सभी कपड़ा लेके आ रहा है, अपने कपड़ा दिखा रही है। तो गाइस अभी रोहन वहाँ पे जा रहा है एक तो पतंग निकालने के लिए। वहाँ पतंग फंसा हुआ है, देखो रोहन जा रहा है, वो देखो वहाँ पे एक तो पतंग फंसा हुआ है। कैमरा में तो नहीं दिख रहा होगा शायद, लेकिन वहाँ पे एक पतंग है, एक यहाँ पे है। रोहन अभी वहाँ पे गया है पतंग उतारने के लिए, क्योंकि वाला सामने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मिशन सक्सेसफुल हो गया है, रोहन वाला गुड्डी उतार लिया, देखो अभी अभी उसका क्या बोलते हैं रस्सी बांध रहा है अभी उड़ाने के लिए। देखो पता नहीं किसका यहाँ पे आके फंस गया होगा, हम लोग को मिल गया भाई। आज ऐसे भी हवा मस्त चल रहा था तो गुड्डी उड़ाने में भी मज़ा आएगा आज। और अभी पूरा जैसे ही पतंग का सीजन चल गया, पतंग एक भी नहीं दिख रहा आसमान में, नहीं तो उड़ते रहता था। देखो रोहन का अभी पागल गुड्डी है क्या रोहन, तो सीधा उड़ रहा है। ये देख लो गाइस अपनी पतंग, अच्छा उड़ रहा है रोहन गुड्डी। आपको लगा पागल गुड्डी तो नहीं होगा ना, लेकिन पतंग ठीक है। गाइस हम लोगों ने मकर के दिन 3 या 4 पतंग खरीदा होगा, लेकिन उसमें से एक पतंग भी नहीं उड़ा था, सब पागल वाला पतंग सब था। नारायण बहुत सारा, हम लोग 3-4 उड़ा भी था तो लटक गया। रोहन का था एक, तो रोहन का डेबू काट दिया पतंग उसका उड़ा था, और मेरा दोनों पतंग नहीं उड़ा था, और कहाँ कहाँ चल गया, कहाँ कहाँ फट गया पता नहीं, मेरा लटक गया। सिमरन लोग का लटका होगा कटल पेड़ में, कटल पेड़ में नहीं वहाँ पर लटका है। अरे ला कितना अच्छा उड़ रहा, लेकिन अभी उस साइड भाग गया। जिस दिन उड़ाने का था उस दिन उड़ा नहीं, आज उड़ रहा है। तो गाइस अभी मुश्किल से एक पतंग दिखा है हवा में, बहुत ऊपर में वो पतंग है, और हवा इतना तेज दे रहा ना कि तो वो भी पतंग बहुत ऊपर में है, बहुत हाई में हम लोग का पतंग है। और देखो हम लोग का पतंग, चलो वाला पतंग दिखाते हैं आप लोग को, बहुत हाई में है भाई अभी तो हमको ही नहीं दिख रहा है।
तो गाइस मामा लोग घर से नीचे आ गया है अपने घर पे, ठीक है। और जो वाला पतंग रोहन लोग उड़ा रहा था ना, वाला पतंग लटक गया। हम हॉल में थे, रील्स देख रहे थे इंस्टा का, तो फिर रोहन आया, बताया कि उसका पतंग लटक गया, पता नहीं कैसे। तो गाइस अभी मम्मी अंदर में सोई हुई है, ठीक है। अभी दोपहर का टाइम है ना, तो मम्मी भी सोई हुई है और हमको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, तो हम सोच रहे अभी चाय पीते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी उठेगी उसके बाद कुछ नाश्ता बनाएंगे। और सच बोले तो सर्दी हो, मतलब सर्दी और बढ़ गया। तो मिलते गए थोड़ी देर बाद में आप लोग से। तो गाइस जो वाला पतंग रोहन उड़ा रहा था ना, वाला पतंग लटक गया गाइस कहाँ पे जाके जानते हो। रोहन हमको आके बताया कि पतंग लटक गया, ठीक है। अभी तो हम अपने घर आ चुके हैं और अभी घर पे अंदर में मम्मी सोई हुई है, लेकिन बहुत बुरा हुआ गाइस, पता नहीं कैसे लटक गया। हमको रोहन आके बताया कि लटक गया बोल के। वो लोग पतंग उड़ा रहा था, फिर हम नीचे आ गए थे, हॉल पे आ गए थे, फिर अभी अपने घर आ गए, तो रोहन तभी हमको बताया था उसको पतंग लटक गया। तो वैसे अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, ठीक है। अभी दोपहर का टाइम है और अभी हमको बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, लेकिन तो अभी हम चाय गर्म करके चाय पीने वाले हैं, बाद में मम्मी उठेगी तो फिर मम्मी कुछ बनाएगी। क्या भाई, मम्मी कुछ बनाएगी उसके बाद खाएंगे। तो गाइस देखो एक तो बदमाश का बिल्ली का फिर से आ गया, बिल्ली बच्चा, ठीक है। इसको दूसरे लोग ले गए थे पर अभी फिर से आ गया अपने घर, सोया हुआ है यहाँ पे पलंग, उधर पिक्चर मूवी चल रहा है। और देखो कितना आराम से सोया हुआ है भाई। मियाँ तो गाइस एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम बैडमिंटन खरीदे थे नया वाला, लेकिन एक बार भी हम उसका ब्लॉग नहीं बनाते, तो चलो आज इसका ब्लॉग बनाएंगे। अभी थोड़ी देर में हम लोग बैडमिंटन खेलने वाले हैं, ठीक है, तो अभी उसका ब्लॉग बनाएंगे। हम खरीदे थे लेकिन एक बार भी हम खेलते हुए आप लोगों ने देखे, अभी हम लोग खेलने वाले थे देरी में। श्रेया अभी मेरा बैडमिंटन लेके गई, पता नहीं कहाँ चल गई, तो जैसे ही आएगी तो फिर खेलेंगे हम लोग। अरे रूही है गाइस मेरी मामा की बेटी, ठीक है, तो देखते कब आती है, साथ में खेलेंगे हम। तो क्या नहीं रोकी थी खाली की, मुझे स्माइल करो थोड़ा, इधर हाय बोल दो। ओ देखो रोशी, ओ देखो सीमू झालू मालू खेलेंगे बोल रही हूँ वहां से ट्यूशन पढ़ते पढ़ते। तो गाइस हम बैडमिंटन खेल लिए हैं और मम्मी भी सो के उठ गई है, देखो मम्मी। तो मम्मी अभी यप्पी बनाई, तो अभी हम लोग यप्पी खाने वाले हैं। यप्पी आप चल गया, तो गाइस आज मतलब भैया गए हुए हैं पीहू लोग को लाने के लिए, तो पीहू लोग कल तक आ जाएगी ना मम्मी। अभी अभी भैया तुरंत निकले हैं पीहू लोग लाने के लिए, तो परसों से आप लोगों को पीहू लोग का ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो गाइस आज का ब्लॉग इधर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।